मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय दर्शकों सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आशा करता हूं आप इसी प्रकार मेरे आगे भी वीडियो उत्सुकता से देखते रहेंगे। और आपको अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरा मनोबल ऊंचा होगा। आज के इस वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करने जा रहे हैं संतान सुख की हानि। संतान सुख की हानि इस जातक की कुंडली में किस प्रकार हुई है और व्यवसाय की हानि प्रबल प्रेत योग परंतु अमला योग भी। तो हम आज आपको इस कुंडली में तीन विषय पर विचार करेंगे। दर्शकों कुंडली में तो बहुत कुछ है लेकिन इस 15-20 मिनट में सभी कवर करना संभव है, लेकिन आज हम आपको तीन योग संतान सुख की हानि आपको उदाहरण दे करके जो व्यक्तिगत जो वास्तविक में उदाहरण मिला है जो रिजल्ट मिला है उसका उदाहरण दे करके हम संतान सुख की हानि का विवरण करेंगे और व्यवसाय की हानि प्रेत योग क्या होता है वो भी बताएंगे। दूसरा अमला योग क्या होता है अमला योग के बारे में भी बताएंगे। तो दर्शकों जातक का जन्म 12 अक्टूबर 1989 नवासी में हुआ। शुक्र पक्ष 13 नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा चरण 2 में हुआ। जन्म के समय पर वृषभ लगन उदय हुआ। वृषभ लगन के 5 डिग्री 44 अंश है। द्वितीय भाव में मिथुन राशि में गुरु 14 अंश लेकर के विराजमान है। वहीं पर तृतीय भाव में केतु कर्क राशि में 29 डिग्री लेकर के विराजमान है और पंचम भाव में बुध अपनी उच्च राशि में है। मंगल 21 डिग्री लेकर के विराजमान है बलवान अवस्था में है और सूर्य 25 डिग्री मंगल बलवान अवस्था में अस्त है। सप्तम भाव जैसा जीवन साथी का भाव बताते हैं तो लग्ने शुक्र 10 डिग्री लेकर के 41 मिनट पर है। अष्टम भाव में धनु राशि में शनि 14 डिग्री लेकर के 22 मिनट लेकर के विराजमान है। वहीं पर नवम भाव जो भाग्य भाव होता है उसमें मकर राशि में राहु 29 डिग्री लेकर के विराजमान है और दसम भाव में चंद्रमा कुंभ राशि में 23 डिग्री लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों लगन के अंश 5 डिग्री 44 मिनट है। इन अंकों को ध्यान में रखते हुए जैसा कि मैं हमेशा वीडियो में बताता हूं कि गुरु के 14 अंश है लगन से उसमें 9 डिग्री का फर्क है। शुक्र के 10 है 5 डिग्री का फर्क है। बुध 7:50 पर है 2 डिग्री का फर्क है। शनि 14 पर है 9 डिग्री का फर्क है। ये ग्रह अधिक बलवान माने जाएंगे। कोई भी ग्रह के जितने भी अंश हों अगर लगन के उदित अंश से ज्यादा अंतर आ जाता है 12-13 से 12 से ज्यादा आ जाता है तो वह प्रभाव में फर्क डाल देता है क्योंकि उसको उदित लग की प्रकाशमान किरणें उसको प्राप्त नहीं होती उसको इसलिए वह कमजोर माना जाता है। दर्शकों आगे अब हम बात करते हैं इनके जातक का जन्म वृषभ लगन हुआ। वृषभ लगन शुक्र की राशि है तो जरूरी बात है जिस राशि का स्वामी शुक्र हो उसका शरीर बलिष्ठ होते ही है और पुरुषार्थी भी होते हैं। उनका व्यक्तित्व चुंबकीय की तरह होता है और लोग बरबस इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। हर समय कुछ ना कुछ करने की धुन रहती है। हमेशा खाली बैठना उनकी पसंद नहीं आदत नहीं परंतु ये ऐसे जातक कोई भी काम करते हैं तो योजना बना करके काम करते हैं और अगर भूलवश कोई अनुच काम हो भी जाए तो उसको पछताते भी हैं बहुत ही ज्यादा पछताते हैं और जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता ऐसे जातक चैन से नहीं बैठते उनको हमेशा उसी काम की लगी रहती है। ऐसे जातक ने जो ठान लिया वो करेगा। ऐसे जातक मनमोहक होते हैं तेजस्वी होते हैं। ग्रह के प्रभाव से कुछ अलग भी हो सकता है वो अलग बात है। लग्नेश शुक्र है सप्तम भाव में है वृश्चिक राशि में है। लग्नेश का शुभ होना तो केंद्र में अच्छा माना जाता है लेकिन क्योंकि लग्ने शुक्र है और सप्तम भाव में सप्तम भाव भोग विलास का कारक है और शुक्र स्वयं भोग विलास का ग्रह है ऐसे जातक की कामुक प्रवृत्ति होना होने वाली बात है क्योंकि शुक्र कामुक बनाता है और लगन को देख रहा है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है और पंचम भाव में केंद्र का स्वामी पंचम में है। राजयोग तो अपने आप ही हो गया जब केंद्र का स्वामी
त्रिकोण में चला जाता है तो राजयोग अपने आप हो जाता है। सुखी, सबका प्रिय, गुणवान, भगवान का भक्त, दूरदर्शी, माता पिता, भूमि का, सभी का सुख, और सप्तम दृष्टि से मीन राशि को देख रहा है, आमदनी के भाव को, आमदनी के सोर्स अच्छे अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी है और दशम भाव में है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है। दर्शकों, हमारे ज्योतिष के आचार्यों का ये मत रहता है, विद्वानों का ये मत रहा है, शास्त्र का ये मत रहा है कि लगन से दशम भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो तो अमला योग बनता है। इस कुंडली में लगन से दशम भाव में चंद्रमा शुभ ग्रह है, क्योंकि चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, अमला योग बनता है। यह अमला योग आपकी कुंडली में चंद्र लगन से भी बनेगा। अगर चंद्र लगन से हम बात करते हैं तो चंद्र लगन से दशम भाव में शुक्ल शुभ ग्रह है, इस जातक की कुंडली में दोनों प्रकार से अमला योग बनता है। अमला योग वाले जातक बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, उनके पास वो दूरदर्शी होते हैं, पंच महापुरुष तरह से इसका योग होता है। ऐसा योग हमारे महात्मा बुद्ध की जी की कुंडली में भी था, हमारे ज्योतिष आचार्यों ने उससे उपमा की है। मतलब ऐसा जातक इतना ज्ञानी होता है और अपने आप उसके पास धन की दौलत सब प्रकार के सुखों की आ जाती है, तो जातक का कुंडली में अमला योग है। लगन से दशम भाव में चंद्रमा है और चंद्रमा लगन से भी दशम भाव में शुक्र है, बहुत ही अति उत्तम योग बन रहा है। मैंने बताया कि अमला योग भी। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल 21 डिग्री लेकर के मृत अवस्था में तो है, लेकिन 21 डिग्री पर बहुत बलवान होता है, वो बात अलग है। 5 डिग्री लेकर के तो उसमें तो फर्क पड़ेगा, लेकिन मंगल अस्त है, मंगल उग्र ग्रह है और पंचम भाव में है। उग्र ग्रह हमेशा पंचम भाव में संतान हानि में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। आगे बात करते हैं बुध की। बुध कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है, और बुध उच्च राशि में है। जब बुध अपनी उच्च राशि में हो तो विद्वान तो होगा ही, शिक्षा की कोई कमी नहीं, और संतान सुख अच्छा होगा, क्योंकि बुध उच्च राशि में है, दशम भाव का स्वामी है। वृषभ लगन के लिए तीन ग्रह अच्छे माने गए हैं, लग्नेश, पंचमेश, और दूसरा होता है भाग्येश और दशमेश, क्यों, इसमें शनि योग कारक होता है। तो वृषभ लगन के लिए लग्नेश, बुध और शनि देव, ये तीनों ग्रह बड़े अच्छे माने गए हैं, और बुध अच्छी स्थिति में, संतान और बुद्धि, शिक्षा में कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा योग बनता है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव में है। धन कुटुंब में परेशानी के बाद कुछ फायदा मिलेगा। पंचम दृष्टि शत्रु भाव को देख रहा है, शत्रु अधिक होंगे, ऐसे जातक के शत्रु अधिक होंगे। सप्तम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, आयु लंबी होगी परंतु जीवन में शत्रु अधिक होंगे। नवम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है, 14 डिग्री है, 9 डिग्री का फर्क है, कुछ ना कुछ फायदा देगा। ये चंद्रमा का गुरु का नव पंचम योग बन रहा है, ये भी एक अपने आप में वित्तीय सहायता, धन का योग और शुभ योग माना जाता है, चंद्रमा और गुरु का नव पंचम योग। अब बात करते हैं शुक्र मैंने आपको बता दिया लग्नेश। अब बात करते हैं शनि की। वृषभ लगन में शनि नवम भाव का स्वामी है और दशम भाव का स्वामी है। दर्शकों, नवम भाव भाग्य का भाव है, पूर्व जन्म के जो आपने शुभ अशुभ कर्म किए उनका संचित भाव नवम भाव है, धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है, और दशम भाव कर्म का भाव है, सम्मान का भाव है, व्यवसाय में प्रतिष्ठा का भाव है, पिता के सुख का भाव है, ये सारे दशम भाव से मिलते हैं। शनि योग कारक है लेकिन अष्टम भाव में चला गया। अष्टम भाव में जाने से दशम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला गया, व्यवसाय में परेशानी, वह बात अलग है, तीसरी दृष्टि से देख रहा है लेकिन उतना नहीं जितना कि शुभ जगह पर बैठा हुआ होता तो अच्छा देता, खड्डे में देख रहा है तो व्यवसाय में परेशानी होगी, भाग्य में परेशानी होगी, यहीं पर
प्रबल प्रेत योग व्यवसाय की हानि, जब दशम भाव का स्वामी, ये ज्योतिष का सूत्र है, दशम भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में हो और अष्टम भाव का स्वामी उसको देखे, दशम भाव का स्वामी अष्टम भाव में, अष्टम भाव का स्वामी गुरु अपनी सप्तम दृष्टि से शनि को देख रहा है, आपकी कुंडली में कोई भी हो सकता है। ये तो शनि की तीसरी दृष्टि है, थोड़ा सा फायदा मिल रहा, लेकिन आपकी कुंडली में, किसी भी कुंडली में अगर दशम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है और उसको अष्टम भाव का स्वामी देख रहा है या उसके साथ युति बना रहा है, तो आप ये बनिए, यह योग पूर्व जन्म के किए हुए पाप कर्मों के आधार पर बनता है और इसको प्रेत योग कहा जाता है। ऐसा माना गया है कि ऐसे जातक के कोई पुरुष या कोई प्रेत आत्मा उनकी भटक रही है और इसको हमने व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल रूप में हमने पूजा कराते टम पाया है ऐसे योगों का। तो ये प्रेत योग है, व्यवसाय की हानि परम प्रेत योग। अगर दशम भाव का स्वामी, आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, दशम का भाव का स्वामी अष्टम में हो और उसको अष्टम भाव का स्वामी देखे या उसके साथ युति बनाए, तो प्रेत योग होगा। आप सीधा मानकर सोच लिए कि आपके कोई पारिवारिक या दो तीन पीढ़ी जब भी हो, आपका कोई पुरुष प्रेत योनि में है और व्यवसाय की हानि हो रही है। तो ये मैंने आपको पर्वत प्रेत योग भी बता दिया। शनि तीसरी दृष्टि से अपने भाव को देख रहा, यहां तो शनि है जैसे मैंने पलाया देख रहा, बाकी ग्रह की तीसरी दृष्टि होती नहीं है तो दशम भाव में नुकसान हो जाता है। मैं ये कुंडली आपके सभी को लेकर के बना रहा हूं, ये सभी के लग्नों के बना रहा हूं। सप्तम दृष्टि से यहां पर देख रहा है, नित्य भाव को देख रहा है, तो परेशानी के साथ कुटुंब का भी सुख मिलेगा क्योंकि अष्टम भाव से देख रहा है। और शनि दशम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, यहां पर शनि भी दशम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा क्योंकि प्रेत योग में शनि की भाग्येश है, दशमेश है, लेकिन स्थान अच्छा नहीं है, यहां से शनि की अशुभ ही दृष्टि मानी जाएगी, त्रुटिपूर्ण प्रभाव माना जाएगा। तो मैंने आपको यहां पर प्रबल प्रेत योग बताया। अब बात करते हैं राहु की। राहु नवम भाव में है, मान लिया 29 डिग्री लेकर के विराजमान है, लेकिन है तो सही, इसका पंचम दृष्टि से लगन को देख रहा है और नवम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। राहु की 29 डिग्री है और सूर्य की 25 डिग्री है, 4 डिग्री का फर्क है। यहां पर सूर्य पीड़ित हो रहा है और मंगल भी पीड़ित हो रहा है, क्योंकि राहु की 29 है, मंगल की 21 है, 8 डिग्री का फर्क है। सूर्य में 4-5 डिग्री का फर्क है। मंगल और सूर्य दोनों राहु से पीड़ित हो रहे हैं। दूसरी तरफ पंचम भाव में राहु का भी कहीं ना कहीं प्रभाव है। अभी बात करते हैं केतु की। केतु तीर्थ भाव में है, पराक्रम भाव है, पराक्रम ही अच्छा होगा, भाई बहन में वैमनस्य का देगा और पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, जीवन साथी के सुख में थोड़ी बहुत परेशानी देगा। नवम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, भाग में अवरोध देगा और सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, भाग का अवरोध देगा। नवम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, आमदनी में उतार चढ़ाव देगा। ये मैंने आपको सूक्ष्म तरीके से ग्रहों का योग बताया। दर्शकों, कुंडली में तो बहुत और भी योग है, लेकिन मेरा सब्जेक्ट है संतान सुख की हानि, व्यवसाय की हानि प्रबल प्रदेश और अमला योग मैंने आपको क्लियर बता दिया, व्यवसाय की हानि प्रबल प्रेत योग मैंने आपको बता दिया। अब है संतान सुख की हानि। दर्शकों, जातक की कुंडली में मंगल पहले से विराजमान है, सूर्य पहले से विराजमान है, राहु की नवम दृष्टि है और शनि की दशम दृष्टि है, तो इस प्रकार पंचम भाव पर मंगल का भी प्रभाव है, सूर्य का भी प्रभाव है, शनि का भी प्रभाव है और राहु का भी प्रभाव है। 4 पाप ग्रहों का प्रभाव है और बुध अकेला 7 डिग्री लेकर के अपनी उच्च राशि में है, तो कहीं ना कहीं संतान सुख की हानि बन रही है। पंचम भाव पर पाप प्रभाव, संतान सुख की हानि, दशम भाव का स्वामी अष्टम भाव में, अष्टमेश देखे तो प्रेत योग, अमला योग। मैंने इस वीडियो में 3 बिंदु आपको, 3 योग मैंने आपको बताए। अब बात देखते हैं संतान सुख की हानि किस प्रकार हुई।
दर्शकों मैं आगे जो आपको बताने जा रहा हूं आपने ऐसा कभी YouTube पर नहीं देखा होगा, मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं ऐसा वर्णन किसी ने नहीं किया होगा। इस जातक को पुत्र रत्न की प्राप्ति 15 फरवरी 2022 को हुई। इस जातक को पुत्र रत्न की प्राप्ति 15 फरवरी 2022 को शुक्ल पक्ष 14 को अश्लेषा नक्षत्र चरण 2 में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन हुआ क्या, पुत्र रत्न की प्राप्ति किए, अब उस नवजात शिशु की कुंडली पर विचार डालते हैं। नवजात शिशु की कुंडली क्या कहती है, उसका कन्या लगन में 12 डिग्री लेकर के लगे उधर हुआ और तृतीय भाव में केतु वृश्चिक राशि में 2 डिग्री स्थान लेकर के बनते हैं। मंगल वहीं पर चतुर्थ भाव में धनु राशि में 22 डिग्री लेकर के विराजमान है और शुक्र भी 22 डिग्री के लिए विराजमान है और पंचम भाव में बुध 6 डिग्री लेकर के विराजमान लग्नेश है और पंचम भाव में शनि है 23 डिग्री लेकर विराजमान है और छठे भाव में सूर्य गुरु है। वहीं पर नवम भाव में राहु 2 डिग्री 57 मिनट लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में चंद्रमा 20 डिग्री लेकर के विराजमान है। अभी विचार कीजिए उस नवजात शिशु की कुंडली का। दर्शकों चंद्रमा पर केतु का थोड़ा सा प्रभाव है, नवम दृष्टि से ज्यादा नहीं, क्योंकि चंद्रमा 20 डिग्री है, केतु 2 डिग्री है, तो कर्क राशि पर प्रभाव है। यहां पर कर्क राशि पर प्रभाव है चंद्रमा, इसका केतु का कर्क राशि पर प्रभाव है। दूसरा, मंगल की अष्टम दृष्टि नीच दृष्टि है। मंगल की अष्टम दृष्टि कर्क राशि में नीच दृष्टि है। मंगल 22 डिग्री लेकर के विराजमान है और चंद्रमा भी 20 डिग्री लेकर विराजमान है, कर्क राशि पर भी है और चंद्रमा पर भी मंगल की नीच दृष्टि है। चतुर्थ भाव चतुर्थ राशि पीड़ित है, केतु से पीड़ित है और मंगल से पीड़ित है। उसके बाद शनि की सप्तम दृष्टि भी चतुर्थ राशि पर है, शनि की 23 डिग्री है और यहां पर चंद्रमा की 20 डिग्री है, शनि का चंद्रमा के ऊपर भी अशुभ प्रभाव है। अभी आप देखिए चंद्रमा और कर्क राशि पर केतु का अशुभ प्रभाव, मंगल की अष्टम दृष्टि अशुभ प्रभाव और शनि की सप्तम दृष्टि अशुभ प्रभाव, ये चंद्रमा और कर्क राशि पर प्रभाव है। कर्क राशि हमारी वर्ष स्थल का प्रतिनिधि करती है, फेफड़ों का प्रतिनिधि करती है, हर्ष का, यानी जो हमारी मेन मशीनरी है वो छाती के अंदर है, कर्क राशि वहां का प्रतिनिधि करती है। अब बात करते हैं आगे, यहां पर राहु 2 डिग्री लेकर के विराजमान है, राहु की पंचम दृष्टि लगन पर है, 12 डिग्री लगन उदय है, राहु की 257 है, कहीं ना कहीं लगन पर राहु का भी प्रभाव है। राहु की नवम दृष्टि पंचम भाव पर बुध पर है, बुध लग्नेश है, यानी राहु ने लगन को भी पीट दिया, राहु ने लग्नेश को भी पीट दिया, लग्नेश और लगन दोनों राहु द्वारा पीड़ित हुए। अब चंद्रमा, चंद्रमा मंगल का भी अशुभ प्रभाव है और शनि का भी अशुभ प्रभाव है, कहीं ना कहीं केतु का भी थोड़ा बहुत प्रभाव है। ये जब बच्चा पैदा हुआ, नवजात शिशु पैदा हुआ, तो मेरे पास इसका विवरण आया कि गुरुजी इस बच्चे के बारे में बताओ, मैंने इसकी कुंडली देखने से पहले इसके माता पिता की कुंडली मांगी तो उसको मैंने पाया। मैंने उनको बताया कि आपका कोई पुरुष प्रेत योनि में है और उसकी वजह से जातक पीड़ित है, इस जातक की छाती में इतनी प्रॉब्लम आई उसको सांस नहीं आ रहा था, इस जातक की यानी नवजात शिशु की प्रॉब्लम रही और उसको ठीक से सांस नहीं आ रहा था और उसमें ये दोष मिला, डॉक्टरों ने बहुत जोर लगाया, लेकिन दर्शकों विधाता की देन है, वह जातक अपने माता पिता का नहीं रहा और भगवान को प्यारा हो गया। और ये मैंने पहले ही उनको बता दिया था, लेकिन वो तो विधि का विधान है, भगवान तो उसको बुद्धि देगा जिसके दुख दूर करने हो, तो मैंने आज आपको इसका प्रेत योग का इस जातक को मैंने जिस तरह से उसका नवजात शिशु उसको हाथ नहीं लगा, मैंने उस नवजात शिशु कुंडली का विश्लेषण करके आपको मैंने बताया इस तरह से दोष फलित होते हैं। बुध ने अपना काम किया,
बुध उच्च राशि में है, पंचम भाव में, बुध ने अपना काम किया, उसको पुत्र रत्न दे दिया, लेकिन पंचम भाव पर चार चार पाप ग्रह का प्रभाव यह हुआ और यहां पर बच्चे की छाती पीड़ित हो गई, जातक का चंद्रमा पीड़ित होगा और जातक का लग्न पीड़ित होगा, लग्नेश पीड़ित होगा। तो आप देखो, जब चंद्रमा पीड़ित है, चंद्र लग्न पीड़ित है, लग्नेश पीड़ित है, लग्न पीड़ित है और चतुर्थ भाव पीड़ित है, मशीनरी तो चतुर्थ भाव में ही कर्क राशि में ही है ना, कर्क राशि क्योंकि वक्ष स्थल का स्थान है, सात की पीड़ित रही और नवजात शिशु भगवान को प्यारा हो गया। मैंने आज इसमें संतान सुख की इस उदाहरण के साथ आपको मैंने बताया, मैंने अपने अनुभव में यह देखा है कि ऐसी कुंडलियों में यहां पर जब पूजाएं होती हैं तो पुरुष प्रकट हो जाते हैं। दर्शकों, मैंने आपको संतान सुख की हानि बताई, वर्षाए में प्रबल प्रेत योग बताया, दशम भाव को असामी अष्टम और अष्टम उसको देखे, और अमला योग मैंने आपको बताया कि लगन से दशम भाव में शुभ ग्रह हो और तो अमला योग बनता है, और चंद्रमा से भी दशम भाव में शुभ अमला योग बनाया, मैंने आपको तीन चार व्याख्याएं बताई। इस जातक की कुंडली बुध महादशा 21/4/2020 से 21/4/37 तक है और बुध की अंतरदशा 21/4/2020 से लेकर 18/7/2022 तक थी और इसी में सब कुछ हो गया बुध की अंतरदशा में ही, क्योंकि यहां पर पीड़ित रहा मामला, पंचम भाव पीड़ित रहा। दर्शकों, कुंडली में और भी बहुत है, वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि शुक्र रोगेश है और यहां पर कृतिका नक्षत्र पीड़ित है। इस जातक को जब कृतिका नक्षत्र पीड़ित होगा तो परेशानी तो आएगी, गर्दन में होगा, टॉन्सिल होंगे, नेत्र रोग होंगे, बीपी आदि सब बीमारियां होंगी, वो एक अलग बात है, और भी कई रोग हो सकते हैं, लेकिन मैंने अपना जो वीडियो का टाइटल बनाया उसके मैं आपको समझाने की, मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं कि यह वीडियो किसी के लिए फायदेमंद है या आपका मार्गदर्शन हुआ है, तो फिर मेरा वही आपसे आग्रह रहेगा कि आपको अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भेजें ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। और दर्शकों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और आपको मेरी पहले वीडियो आपको सीधी आपको देखने को मिल जाए, और मैं इसी प्रकार आपसे वास्तविक कुंडलियों के साथ आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।